हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पांच ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आपने अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे लाइव टीवी चैनल देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल आगे मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जो पहली वेबसाइट मैं बताने जा रहा हूं वो है टाटा प्ले की ऐप है, उसके थ्रू में आप लाइव टीवी चैनल देख सकते हैं अपने लैपटॉप पर भी। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाटा प्ले का ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है तो आप ये वाली वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे वॉच ऑन वेब, तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपकी watch.tataplay.com। तो दोस्तों, उसके बाद में आपको अपने जो यूज़र आईडी से जो आपका टाटा प्ले का रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर आपका मोबाइल नंबर है उसे लॉगिन करना पड़ेगा। मोबाइल में OTP आएगा, उसे लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई बॉक्स का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है लाइव टीवी चैनल्स का, आपने टाटा प्ले के सेटअप बॉक्स में वही आपको लाइव टीवी चैनल्स यहाँ पे आपको लैपटॉप में शो जाएंगे। लैपटॉप और डेस्कटॉप पे आप लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चैनल्स दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार प्लस SD अवेलेबल है, इसके अलावा आपका DD नेशनल है। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं सोनी के चैनल भी हैं आपके पास में, GTV है और सभी आपको चैनल मिल जाएंगे। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो लाइव आप देखते हैं लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे तो स्टार प्लस के चैनल यहाँ पे शो नहीं होते हैं, उसमें एक इशू आता है। यहाँ से जैसे क्लिक करता हूँ मैं स्टार प्लस SD आपको शो करके दिखाता हूँ। जैसे स्टार प्लस SD इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आप एरर आती है, दिस प्रोग्राम इज़ ओनली अवेलेबल ऑन योर टेलीविजन। दोस्तों, जो स्टार नेटवर्क के चैनल हैं वो अपने DTS बॉक्स के थ्रू आप TV पे देख पाएंगे, इसमें लाइव अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे नहीं देख पाएंगे। बाकी ये चैनल आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। दोस्तों, जैसे सोनी का ये चैनल है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्ले हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका लाइव टीवी चैनल ओपन हो गया है, इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं यहाँ से, ये फुल स्क्रीन हो गया आपका टीवी चैनल। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं पुराने एपिसोड देखना तो वो भी इसमें अवेलेबल हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अदर एपिसोड का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे तो आप ओल्ड एपिसोड यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट 7 डेज के दोस्तों यहाँ पे एपिसोड आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 नवंबर तक के यहाँ पे एपिसोड्स हैं, यानी कि आप लास्ट 7 डेज के यहाँ पे बिंज आपके एपिसोड भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया आपका टाटा प्ले ऐप। और दूसरी जो ऐप है दोस्तों या वेबसाइट है वो है आपकी GTV की ऐप है। तो GTV की ऐप में दोस्तों अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे भी लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक आइकन आप देख सकते हैं वेब सीरीज़ के जस्ट बाद में लाइव टीवी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी आपके लाइव टीवी चैनल्स आपको शो जाएंगे, फ्री चैनल्स भी हैं, कुछ प्रीमियम चैनल्स हैं, हमने अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया हुआ एंटरटेनमेंट टीवी चैनल्स हैं, ट्रेंडिंग चैनल्स हैं। और यहाँ पे चैनल गाइड पे क्लिक करेंगे तो आप किस तरीके से गाइड ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप टीवी चैनल्स देख सकते हैं। जैसे जी अनमोल, जी कैफे हो गया, एंड पिक्चर आ गया आपका, GTV, जी एक्शन सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड फ्लिक्स SD ये सब आके ओपन हो गए। जैसे जी एक्शन क्लिक करते हैं हमें, दोस्तों ये चैनल यहाँ पे प्ले हो गया। आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे फुल स्क्रीन करके ये चैनल आप देख सकते हैं लाइव टीवी चैनल्स GTV के थ्रू में। तो GTV में बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इसमें क्या है कि आपका फ्री के चैनल्स भी हैं काफ़ी, जैसे आपके न्यूज़ चैनल्स मिल जाएंगे, जी नेटवर्क के चैनल भी हैं काफ़ी, इसमें चैनल मिल जाएंगे। दोस्तों, जो थर्ड आपकी वेबसाइट है वो है VI मूवीज़ एंड TV। अगर आपके पास दोस्तों VI का नेटवर्क का अगर सिम कार्ड है तो आप उसे लॉगिन करके यहाँ पे लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ट्रेंडिंग लाइव चैनल्स हैं, यहाँ पे कुछ लाइव टीवी चैनल्स आपको शो हो जाएंगे। डिस्कवरी के अवेलेबल हैं, डिस्कवरी SD वर्ल्ड है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कवरी SD हिंदी भी है। न्यूज़ चैनल्स आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ चैनल्स अवेलेबल है, आज तक, इंडिया टुडे वगैरह। दोस्तों, कुछ टाइम पहले इसमें जो आपका VI मूवीज़ एंड TV ऐप है कलर्स के भी काफ़ी चैनल्स थे, अभी ये शो नहीं हो रहे हैं, ओनली आपको कुछ ही चैनल यहाँ शो हो रहे हैं जैसे डिस्कवरी के और न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, जो चौथी वेबसाइट है वो है वाचो TV ऐप। ये एक्चुअली डिश नेटवर्क की ये एप्लीकेशन है, OTT ऐप है ये वाचो TV। तो इसमें लाइव TV चैनल्स भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं। जैसे लाइव TV की टैब है, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं फ्री लाइव चैनल्स, यानी कि बिना किसी सब्सक्रिप्शन के भी काफ़ी चैनल आप देख सकते हैं। जी न्यूज़, 9XM, रिपब्लिक भारत, नेशनल, इसके अलावा दोस्तों आपका DD भारतीय है, ये इंडिया न्यूज़ है। तो काफ़ी चैनल्स इसमें आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। जैसे कोई चैनल प्ले करते हैं यहाँ पे, DD नेशनल प्ले करता हूँ तो बिना किसी सब्सक्रिप्शन भी जो फ्री वाले चैनल आप देख सकते हैं। और अगर आप OTT प्लान का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके पास और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल OTT के प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके प्लान काफ़ी आपके कम प्राइस के इकोनॉमिकल प्लान है, 39 पर मंथ का भी एक प्लान है, इसके अलावा 299 एनुअल का प्लान भी है। अगर आप वाचो मिर्ची में जाएंगे तो कुछ आपके OTT ऐप ऐड हो जाएंगे, हंगामा वगैरह। अगर आप वाचो मस्ती में जाते हैं तो G5 ऐड हो जाएगा इसमें, वाचो धमाल में आपका डिज्नी हॉटस्टार, G5 वाचो ये ऐड हो जाएगा, और वाचो मैक्स में आप देख सकते हैं सोनी लिव, हॉटस्टार, G5 ये सब ऐड हो जाएंगे। तो ये सब्सक्राइब करके आप लाइव टीवी चैनल्स भी देख सकते हैं G5 के, और आप इसके जो OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट है वो भी आप यहाँ पे एक ही लोकेशन पे आप देख सकते हैं।
दोस्तों जो फिफ्थ वेबसाइट है वो है आपकी नेक्स्ट जी टीवी। तो नेक्स्ट जी टीवी पे भी कई सारे लाइव टीवी चैनल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जी टीवी की वेबसाइट ओपन कर ली है, लाइव टीवी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट के चैनल है, मूवीज है, म्यूजिक है, न्यूज़ चैनल्स हैं, डिवोशनल है, रीजनल न्यूज़ है, इन्फोटेनमेंट है, किड्स है, तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसमें चैनल्स आप काफ़ी लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। जैसे कुछ चैनल हम ओपन करके देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ के चैनल्स हैं, यहाँ क्लिक करते हैं व्यू ऑल तो यहाँ पे सीधे आप न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं। इंडिया न्यूज़ जैसे ओपन करते हैं इसको, रजिस्टर्ड योर ईमेल आईडी। इसमें दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन कुछ लेना पड़ेगा, इसका सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कितने का है। मोबाइल से लॉगिन करके मैं चेक कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने अपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन कर लिया है, कोई भी मैंने इसमें अभी पेमेंट नहीं किया। देखते हैं लाइव टीवी चैनल्स चलते नहीं चलते। तो लाइव टीवी चैनल्स यहाँ पे आपका ओपन हो गया है, लेकिन कुछ ऐड्स आ रहे हैं, ऐड के साथ में लाइव टीवी चैनल्स आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं लाइव टीवी चैनल ओपन हो गया है, इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं आप चाहे तो, ये फुल स्क्रीन हो गया है। दोस्तों ये मूवीज़ के चैनल भी चेक करके देख लेते हैं कि प्ले होते नहीं होते हैं। तो ये भी आपका प्ले हो गया है। तो इसका मतलब आपको मोबाइल से इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा ओनली, कोई पेमेंट नहीं करना है और आप लाइव टीवी चैनल्स इसमें नेक्स्ट जी टीवी देख सकते हैं। दोस्तों एक यूप टीवी ऐप है, इसमें भी कई सारे लाइव टीवी चैनल्स आप देख सकते हैं। रीजनल टीवी चैनल्स ज़्यादा हैं, चाहे तो इसमें भी आप लाइव टीवी चैनल्स लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। जैसे लाइव टीवी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ चैनल्स यहाँ पे आपको शो जाएंगे। एनडी टीवी जैसे लाइव यहाँ शो हो गया, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप सीधा इसको वॉच कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको पांच ऐसी वेबसाइट बताई जिनके थ्रू आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।